अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमने पहले पैराग्राफ में ये देखा कि रामकुमार वर्मा एक दिन स्टेशन पर गए और वहाँ पर प्रेमचंद से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने प्रेमचंद को अपने घर ले आए। अब हम इस परिच्छेद में देखेंगे, जब से प्रेमचंद जी रामकुमार वर्मा के घर आए तब से सिर्फ आधा घंटा रामकुमार वर्मा जी प्रेमचंद जी के पास बैठते थे, बाकी उनसे मिलने वाले आते थे और मिलने वाले उन्हें बहुत जल्द उनकी बिना इच्छा से उन्हें अपने वश में कर लिया करते थे। एक दिन मैं अपनी कविताओं का संग्रह ठीक ढंग से लगा रहा था, उसे उसकी प्रेस नोट कर तैयार करवाने के लिए ताकि मैं उसे प्रकाशित कर सकूं, तो प्रेमचंद जी ने कहा कि तुम इसे बाहर प्रकाशित करना चाहते हो, कोई ज़रूरत नहीं, लाओ इसे मेरे पास दो, मैं इसे इलाहाबाद से प्रकाशित करूँगा। और उन्होंने वो कविता संग्रह की कॉपियाँ मुझसे लेकर अपनी बैग में रख ली। इसके बाद उन्होंने सरस्वती प्रेस से इसे प्रकाशित करवाया। प्रकाशित करवाया और अगले दिन वो अपने गांव जाने वाले थे। उससे एक दिन पहले मेरी पत्नी ने उनके लिए सुबह से ही खीर तैयार कर रखी थी, लेकिन उस दिन 11 बजे रात तक दोनों ने उनका इंतज़ार किया लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचे। और जब उन्होंने देखा कि लेखक और उनकी पत्नी सो चुकी है तो उन्होंने उन्हें उठाना बेहतर नहीं समझा और उन्होंने उनके नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं यहाँ पर जब आया तो मैंने देखा कि बहू रानी ने कमरे के अंदर खाना परोस रखा है और उसमें एक खीर का कटोरा भी रखा हुआ है जो सुबह की गर्मी से वो खीर फट चुकी थी, लेकिन बहू रानी को बुरा ना लगे इसलिए मैंने वो फटी हुई खीर को खा लिया और मुझे 4 बजे गाड़ी पकड़नी थी इसलिए मैं तुम्हें बताए बिना ही चला जा रहा हूँ। और उन्होंने वो चिट्ठी वहीं पर रख दी और इस प्रकार प्रेमचंद जी चले गए।